अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दूसरों में लगती हैं कि दे आर नॉट डूइंग गुड टू अस, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमें बी लिटिल कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, वो हमें कुछ समझते नहीं हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये मेरा परसेप्शन है। मतलब जब हम एक एक हाई लेवल से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये तो परसेप्शन है प्रवीण का, पर प्रवीण को तो वो सच ही लगेगा, लग रहा है ना, तभी तो प्रवीण बोल रही है। हाउ डू वी गेट टू नो कि लोग हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कैसे आ रही हैं, क्या चीजें हमें बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है, हम ये कैसा सारी फील कर रहे हैं, चीजें। हम कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में, मतलब उनसे हमें क्या वाइब्स मिल रहे हैं, या उन्होंने जो भी हमारे साथ बिहेवियर किया है या व्हाटएवर उन्होंने जो भी कहा है, उनसे हमारे अंदर मतलब क्या उनके लिए मतलब फीलिंग्स उठ रही है, या हार्श फीलिंग आ रही है, या मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो इन्होंने किया वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, या तो इट इज नॉट गुड इन ब्रॉड सेंस कि वो ठीक नहीं है जो किया हो, ऐसी फीलिंग अंदर आती है तो पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ऐसा। वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, अब ये फीलिंग अगर अंदर आ रही है, किस एविडेंस से ये फीलिंग आ रही है, व्हाट इज द एविडेंस, ऐसा क्या हुआ है कि आई एक्शन एम फीलिंग इट, ये सर जी एक्शन से इसे उसे इसे और एक्सप्लेन करो, वो एक्शंस हमें कैसे पता चल रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा कि हम कह सकते हैं कि ये इनके एक्शंस हैं। मतलब जो चीज अगर मुझे नहीं पसंद है और वो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसे पता चल रहा है कि वो वही चीज कर रहे हैं? यू आर वेरी क्लोज टू इट अजीत, मैं आपको और पास लेके जा रही हूँ इस क्वेश्चन से। क्योंकि वो भी वो जानते हैं ना कि मुझे पसंद नहीं है, और मैं भी ये जानता हूं कि मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, ओके, पर फिर भी आपको कैसे पता चल रहा है कि ये वाला एक्शन, ये एक्शन जो है इसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, वो एक्शन आपको कैसे पता चल रहा है कि हो रहा है? मैम, सुमन, यस सुमन, मैम मे बी जब हम ट्रिगर हो रहे हैं तो सारी पास्ट स्टोरी जो भी हम फील करते हैं वो सरफेस लेवल पे आ रही है, हम इंटरनली इमोशनल शफलिंग फील कर रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर, उससे पता चलता है हम ट्रिगर हो रहे हैं उनकी बात से, और कोई ना कोई स्टोरी है उसके पीछे, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है जो हमें याद आ रहा है। वंडरफुल। अब हम एक्चुअली हम वी हैव जम्प्ड वन स्टेयर, उस स्टेयर पे मैं आपको लेके आना चाहती हूँ, आप सब थोड़ा आगे पहुंच गए हैं, हमको बेसिक पे आना है, ठीक है? तो लेट मी रिइटरेट द सिचुएशन वंस अगेन। आई डोंट फील गुड अबाउट समवन, मेरे को फीलिंग आ रही है, जो बैजू ने बोला था कि मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते। हाँ, अब अदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन वाज कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये फीलिंग आ रही है। आप लोग देख के कह सकते हो कि प्रवीण का पर्सपेक्टिव है, बट प्रवीण के लिए वो ट्रूथ है उस टाइम पे, तो प्रवीण के लिए वो सच्चाई क्यों है, ऐसा क्या हुआ है? तो उस पे अजीत ने बोला क्योंकि उनके एक्शंस ऐसे हैं। आई विल कम टू यू बैजू आफ्टर दिस। सो अजीत कहते हैं कि उनके एक्शंस ऐसे हैं। नाउ माय क्वेश्चन अगेन इज, मुझे कैसे पता चल रहा है उनके एक्शंस ऐसे हैं? यस बैजू, वो लोग जो भी बिहेवियर कर रहे हैं मतलब वो उनकी बिलीफ सिस्टम के मुताबिक कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए मतलब ये है कि दिस इज नॉट गुड, या ये मतलब सही नहीं है, या वॉट एवर, हम सही गलत नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब उनको ये नहीं करना चाहिए था। और या तो मतलब एक जनरल ऐसा थॉट है कि अगर वो ऐसा मतलब मेरे साथ बिहेवियर कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो मेरे लिए ऐसा है कि दिस इज नॉट गुड, बट उनके लिए दैट इज नॉर्मल, तो उनकी वो बिलीफ है कि I'm मैं pitching in here. Very rightly said. Again, हम एक स्टेयर को जंप कर गए, हम उस स्टेयर पे नहीं आ रहे जहां पे मुझे एक्चुअली पता चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो, एंड दिस इज ओपन टू ऑल, नॉट ओनली टू बायजू और अजी और सुमन, इट इज ओपन टू ऑल क्वेश्चन, कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके साथ क्या बिहेवियर कर रहा है, कैसे पता चलता है आपको? उनके बात करने के टोन से, या फिर कुछ ऐसा एक्शन किया उन्होंने, उनकी उनकी टोन वैसी हो, एंगर हो, या हरकत कुछ वैसी हो जिसकी वजह से हमें लगता है कि इन्होंने गलत किया, या फिर जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर इमोशन क्रिएट होता है,
थैंक यू वेरी मच सुनैना. सो जैसे अब सुनैना ने इसको फर्दर रिफाइन कर दिया, राइट? हम कह रहे थे कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं. मीनिंग पे तो हम बाद में आएंगे ना, कि मुझे क्या लगता है उस पर तो बाद में आएंगे. पहले हमें ये जानना है कि मुझे पता कैसे चलता है, मतलब कि हमें अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को ना टुकड़ों में बांट के देखना है. अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बायजू ने लॉग इन किया, मैं उसने देखा मैं सामने बैठी हूँ और बायजू ने मुझे हेलो नहीं बोला, बायजू डजंट लाइक मी. अगर मैं ओवरऑल देखूंगी तो मेरा सीधा मैं आपको ये बोलूंगी कि अजीत यू नो व्हाट, बायजू डजंट लाइक मी. मैं ऐसा बोलूंगी क्योंकि मैंने उसे टुकड़ों में नहीं काटा. हैविंग सेड दिस, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को ठहराव से बिठाऊं एंड देन आई स्टार्ट टू थिंक कि व्हाट हैपेंड, एंड देन आई विल से कि ओके बायजू ने लॉग इन किया, मैंने देखा कि बायजू का वीडियो ऑन है, मुझे दिखा कि बायजू मेरी ही स्क्रीन की तरफ देख रहा था, और मैंने ये देखा कि बायजू ने मेरे को हेलो नहीं बोला. तो अब इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है? मीनिंग तो मैं बाद में निकालूंगी. मीनिंग निकालने से पहले ये सारी चीजें हैं जो मैं जो मेरा दिमाग ऑब्जर्व कर रहा है. हम सीधा पास्ट एक्सपीरियंस पे भी नहीं जाते हैं कभी. पहले हम कुछ देखते हैं. रिमेंबर सेंसरी अवेयरनेस पिलर्स, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एनएलपी, यही सेंसरी अवेयरनेस है कि पहले हमें पता तो चले मैंने ऐसा देखा क्या है, ऐसा सुना क्या है, ऐसा क्या सूंघा है, ऐसा क्या टेस्ट किया है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बायजू मुझे लाइक नहीं करता है, या आभा मुझे लाइक नहीं करती है, या जेसिका मुझे बहुत पसंद करती है. ऐसा क्या देख रही हूं मैं, मुझे कहां से पता चल रहा है? सो दिस इज द मेजर थिंग कि यहीं से हमारी सेंसरी अवेयरनेस बढ़ेगी. तो हमें अपनी लाइफ की सिचुएशन को टुकड़ों में बांटना है, छोटे 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 पीसेज में. देन वी विल गेट टू नो कि एक्चुअली में मुझे कहां से इनपुट मिल रहा है, और उसके बाद कहीं हम जाके मीनिंग डालते हैं. उसके बाद मीनिंग डालेंगे कि ओके, माइंड बहुत जल्दी से सबकॉन्शियस पे जाके एक इंडेक्स उठाएगा कि जब जब तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स ने तुम्हें हेलो नहीं बोला है, तो उसके बाद से उन्होंने तुमसे बात करनी बंद कर दी है. अब वहां से वो एक, जैसे सुमन बोल रही थी, पास्ट एक्सपीरियंस उठा के मेरा दिमाग बायजू वाले एक्सपीरियंस में फिट कर देगा कि बायजू ने भी हेलो नहीं बोला, अब कल से ये ना बात ही नहीं करेगा. दिस इज हाउ वी क्रिएट अवर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, ये बहुत मैंने वेग टर्म्स में बोला, आई विल कम टू यू आभा आफ्टर दिस, ये बहुत वेग टर्म्स में बोला है, पर अभी हम इसकी गहराई में जाएंगे. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अनकवर टुडे. एम आई एबल टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? सुमन, मीनल, ये डेल कौन है वैसे, बाय द वे,